हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स। गाइस, तो नागपुर यूनिवर्सिटी के विंटर एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स के रिलेटेड गाइस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है आज, और इस आर्टिकल से लग रहा है गाइस जो रिजल्ट है उसको लगने में और भी थोड़ा जो टाइम है वो लग सकता है। अब ऐसा क्यों है गाइस, क्या सारी चीज़ें उस आर्टिकल में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। इसके अलावा गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहे। तो इस आर्टिकल की मेन हेडलाइन है गाइस, नागपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स डिले आफ्टर मेनी स्टाफर्स फाउंड कोविड-19 पॉजिटिव, द वेट फॉर विंटर 2020 एग्जाम रिजल्ट्स हैज़ बिकम अनएंडिंग फॉर नागपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, मेनी नागपुर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ आर इन्फेक्टेड विद कोविड-19 वाइल अदर्स आर बिजी लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली मेम्बर्स हु आर पॉजिटिव, अ कपल ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑल्सो सकम्ड टू द डेडली वायरस, मेकिंग मैटर्स वर्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी बैटलिंग लार्ज स्केल वैकेंसीज। नागपुर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल सेड द यूनिवर्सिटी हैड ऑलरेडी रिड्यूस इट्स वर्किंग स्ट्रेंथ आफ्टर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इम्पोज द लॉकडाउन, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज केप्ट द एग्जामिनेशन सेक्शन क्लोज फॉर अ कपल ऑफ वीक्स। तो कपल ऑफ वीक्स के लिए जो एग्जामिनेशन सेक्शन है गाइस वो भी क्लोज था। आफ्टर 40 स्टाफर्स कॉन्ट्रैक्टेड द कोरोना वायरस, ओनली अ कपल ऑफ टॉप ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस एंड इवेल्युएशन डायरेक्टर प्रफुल साबले वेर अलॉड टू एंटर। वाइस चांसलर सुभाष चौधरी टोल्ड TUI दैट ही हैड स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम सिंस लास्ट वीक आफ्टर मेनी एम्प्लॉयज टर्न पॉजिटिव इन द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक ऑन अमरावती रोड। प्रो वाइस चांसलर संजय दूधे ऑल्सो स्टार्टेड गोइंग टू द ऑफिस ऑन अल्टरनेटिव डेज एज मेनी एम्प्लॉयज इन द ओल्ड नागपुर यूनिवर्सिटी बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ महाराज बाग टर्न पॉजिटिव। वी हैव लॉस्ट टू वेरी डायनामिक एम्प्लॉयज अनफॉर्चुनेटली। तो गाइस किसी की डेथ भी हुई है ड्यू टू कोरोना, जो कि एक मतलब काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। अगर हम एक स्पेस में वर्क कर रहे हैं और वहाँ पे किसी को ऐसा कुछ हो जाता है तो एक मतलब काफ़ी अनफॉर्चुनेट जो चीज़ है वो हो गई है। देयरफॉर वी हैव डिसाइडेड टू क्लोज आवर ऑफिसेस फॉर सम टाइम टू सेव अदर्स। वी हैव ऑल्सो टोल्ड कॉलेजेस टू कंडक्ट एग्जाम्स एज पर देयर एंड द स्टूडेंट कन्वीनियंस वाइल टेकिंग फुल प्रिकॉशंस अगेंस्ट द कंटेजियन। वी हैव even told them to conduct practical exams online and not to call students to the colleges. तो इन्होंने ये भी बोला है कि हमने colleges को strictly बोला है कि जो practical examination है उसके लिए students को college में ना बुलाइए, उसको भी online ही लीजिए। Endorsing him, the BOE director said they had kept the exam section offices closed for over a week to break the virus chain. The employees were in a shock after the death of two employees. Many are also looking after their family members who were positive and hence they took quarantine. In the last couple of days, we had started inviting a few employees to carry forward the result processing work. By the next week, few more would be called. We are strictly abiding by the government's restrictions on working with the minimum strength, Sable told TUI. He added that the most employees were also asked to work from home if possible and avoid coming the ऑफिस टिल द लॉकडाउन वॉज इन फोर्स। तो देखिए गाइस, जो भी कंडीशन ये यूनिवर्सिटी में वो काफ़ी अच्छी नहीं है, नंबर ऑफ जो स्टाफ है वो भी काफ़ी कम है, और जो कोरोना वायरस है वो काफ़ी फैल गया था जिसकी वजह से जो ऑफिसेज है उनको भी क्लोज करने में आया था। अब धीरे धीरे जो रिजल्ट्स की प्रोसेस है गाइस उनको शुरू करने में आ रहा है, और जो स्टाफ है उनको भी धीरे धीरे बुलाया जा रहा है, ऐसे हमें इस आर्टिकल से पता चल रहा है। इसके अलावा इसमें ये भी लिखा है, ऑफिशियल्स फ्रॉम द एग्जाम सेक्शन सेड आफ्टर दे लॉस्ट टू कलीग्स वन ऑफ देम इन His 40s, there was fear and apprehension among them to come to the office. Even our senior supported us. We were concerned about the students, but our lives are also precious. We have families to look after. We will compensate by working more hours as and when the situation get normalized. तो ऐसा कुछ है गाइस, जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं है, काफ़ी मतलब वर्स्ट सिचुएशन है यूनिवर्सिटी में भी। अगर हमारे इसमें भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है या फिर रिलेटिव्स में कुछ हो जाता है तो जो पूरा सीनारियो एक एकदम नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसी सारी कंडीशन, इसके अलावा गाइस इन सारी कंडीशन की वजह से जो ऑफिसेस है उनको भी क्लोज रखा गया था, बट अभी अब जो धीरे धीरे जो प्रोसेस है गाइस उसको भी शुरू करने में आ रहा है। जो रिजल्ट्स है उनके भी जो अपडेट्स है अभी हमें देखने को मिल सकते हैं, बट कुछ वीक्स अभी भी हमें और वेट करना पड़ सकता है, और मे बी कुछ वीक्स के बाद हमें जो अपडेट्स है रिजल्ट्स के वो देखने को मिल सकता है। बट एक चीज़ तो है
कि जब तक री एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक जो रिजल्ट्स है गाइज उसके हमें अब जो अपडेट्स है वो देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस आर्टिकल की जो लिंक है गाइज वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जो रिजल्ट है उसको और भी टाइम लग सकता है। जैसे ही कोई अपडेट आता है गाइज रिजल्ट के ऊपर तो मैं आपको मेरे वीडियोज़ के थ्रू ज़रूर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है गाइज, होप्स आपको सारी जो बातें वो समझ में आ गई होगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट्स मिलते रहे।